तेजस्वी जी सिग्नल सनातनी हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। तेजस्वी जी सिग्नल सनातनी हैं, तुष्टिकरण के पोषक हैं, वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी, ये सनातन का लवादा ओढ़ करके दुष्टिकरण की राजनीति। टीएमसी के नेता दिल्ली में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसी क्या कह देंगी कि बंगाल भारत का अभिन्न अंग नहीं है, क्योंकि अगर संघीय ढांचा में केंद्रीय एजेंसी नहीं काम करेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की एजेंसी काम करेगी वहाँ? छी 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 छी, डूब के मर जाना चाहिए टीएमसी के नेताओं। अच्छा, एक और सवाल है सर, लालू यादव की दोनों बेटियां चुनावी मैदान में, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या है, लालू यादव जी की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवारवाद का परिचायक है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने लोगों की सूची दे दें, जिसको जितना शेयर स्टॉक स्टेक दे दें, अभी एक बेटी दो बेटी परिवार में जितने बच्चों को देना हो दे दें, उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं के पास शेयर है, जिसको देंगे वही शेयर होल्डर हो जाएगा। क्यों में घुसपैठिए होकर अत्यधिक हो गए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बिहार में लंबे समय से घुसपैठिए हो चाहे रोहिंग्या हो, वो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में नाम काफी संख्या में जुड़ा। मेरा आग्रह है कोई मैकेनिज्म निकाले और घुसपैठिए को वोट देने से रोके। ये तुष्टिकरण की राजनीति के तहत बिहार में, बिहार के बाहर हुआ है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि बिहार में कम से कम जो बिहार का सीमावर्ती है, जो बिहार है, इसमें घुसपैठिए को वोट देने से रोक लगाएं, ये मेरी मांग है।